रुडोल्फ के इस क्वेश्चन में पार्ट वन में बोला गया है कि आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड का अगर आप फॉर्मूला देखें तो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक, यहां पर अगर आप देखें टोटल डिस्टेंस कितना आएगा, तो टोटल डिस्टेंस आएगा पाई आर, क्योंकि हाफ सर्कल में पाई आर डिवाइडेड बाय टाउ। ठीक है, वैल्यू आपको पाई की, आर की वैल्यू, ये सब गिवन है, तो आप इसे आंसर निकाल सकते हैं। ये तो हो गया पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में बोला गया है कि आपको एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताना है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो आप लिखेंगे वी एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2R, और टाइम कितना है? टाउ। इसके बाद जो थर्ड पार्ट है उसमें बोला गया है कि आपको एवरेज एक्सेलरेशन, मीन एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बता करना है। ठीक है, अब ये एक इंटरेस्टिंग यहां पर चीज है, इसको जरा समझते हैं। देखिए, वी इनिशियल हमें गिवन नहीं है, वी फाइनल हमें गिवन नहीं है, और फॉर्मूला होता है एवरेज एक्सेलरेशन का। एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। इस फिगर के हिसाब से वी फाइनल को हम वी एफ और वेक्टर में माइनस जे कैप, और माइनस इनिशियल माइनस वी आई जे कैप लिख सकते हैं। तो ये माइनस साइन, तो ठीक है, हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, और डिवाइडेड बाय टाइम है, होल डिवाइडेड बाय टाइम, और ये होल डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, ये डिवाइडेड बाय टाइम गिवन है। अब हमें वी इनिशियल और वी फाइनल नहीं पता, ये एवरेज वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन ये है कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो आप ये देखिए अलोंग द पाथ, ये आपका हो गया ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, और अगर अलोंग द पाथ ये ट्रांसलेटरी मोशन आप देखोगे, तो यहां पर ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन इसकी वेलोसिटी वी इनिशियल से वी फाइनल कर रहा है। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन वी इनिशियल से वी फाइनल कर रहा है, तो हमें पता है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन में एवरेज वेलोसिटी अलोंग द पाथ, अगर आप देखो अलोंग द पाथ, तो वो होगा वी फाइनल प्लस, क्योंकि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है, इस बात को याद रखिएगा। तो यहां पर आप ये फॉर्मूला लिख सकते हैं वी इनिशियल प्लस वी फाइनल डिवाइडेड बाय टू, ये वी एवरेज है, और वी फाइनल प्लस वी इनिशियल डिवाइडेड बाय टू अलोंग द पाथ इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो आप इसकी वैल्यू लिख सकते हैं पाई आर डिवाइडेड बाय टाउ। आपको यहां पर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, यानी कि वी फाइनल प्लस वी इनिशियल डिवाइडेड बाय टाउ, और इसमें जब आप वैल्यू रखेंगे इस फॉर्मूले में, तो इस फॉर्मूले में आप देखिए वी फाइनल प्लस वी इनिशियल किसके बराबर आया? पाई आर बाय टाउ और इंटू टू, और डिवाइडेड बाय टाउ और है, तो ये आ जाएगा ये। तो यहां पर ये आया मॉड ऑफ ए एवरेज। ठीक है, तो ये चीज एक समझने वाली थी कि अलोंग द पाथ अगर आप देखेंगे, जो फॉर्मूला बना उसमें हमें वी इनिशियल प्लस वी फाइनल चाहिए, और अलोंग द पाथ जब आप रेक्टिलिनियर मोशन में भी देखते हैं, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो एवरेज वेलोसिटी यू फाइनल प्लस यू प्लस वी डिवाइडेड बाय टू हो जाती है। तो ये चीज इसे भी रिप्रेजेंट कर रही है, जिसको हमने यहां पर यूज कर लिया। डन, नोट करिए इसको।